खाद बीज न मिलने से नाराज पंखाजूर में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे, लेकिन उन वादों को कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब तक पूरा नहीं किया गया। किसानों और भाजपा ने मिलकर कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेता विक्रमदेव सिंह ने बताया कि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करके सत्ता में कांग्रेस आ तो गई, लेकिन अब सरकार किसानों को खाद बीज उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के किसान चिंतित हैं। कई किसान खाद की कमी के चलते धान नहीं लगा पाए। किसान निजी दुकानों से खाद बीज अधिक मूल्य पर खरीदने को मजबूर हैं। किसानों को खाद बीज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस दौरान किसानों ने पंखाजूर मुख्य मार्ग पर सीएम भूपेश बघेल का पुतला जलाया। आज धरना का मुख्य उद्देश्य आज छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को, क्योंकि ये कांग्रेसी सरकार बनने के बाद 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो किसान है। आज खेती बाड़ी का पूरा समय है, लेकिन किसानों के पास खाद की पूरी कमी है। किसान अपना खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे, तो पूरे इस बात को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ के 90 स्थान में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सभी विधानसभा के एक स्थानों में है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।